क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहते हैं देश से जुड़ी, क्षेत्र से जुड़ी, जिले से जुड़ी खबरें। और देखिए, हमारा जो प्रयास है वो ये बना हुआ है कि हम सच दिखाएं, सच को सामने लाएं। अनेकों बैनर, अनेकों चैनल सच कहते हैं, क्यों ना लिखूं सच, ऐसा सच, वैसा सच, सच के आगे जीत है। और सच के आगे हम ये कहते हैं कि सच के आगे जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं सच के आगे हार हो रही है। और हार भी कराने में लोग सच की कहीं ना कहीं आड़ लेकर के सच की हार करा रहे हैं और सच को कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। और झूठ बड़े पैमाने पर बिक रहा है और सच कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है, क्योंकि सच कमज़ोर पड़ा है, सच चुप पड़ा है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन सच को लोगों ने अपने पैरों तले खून डाला है, रौन डाला है, कुचल डाला है। द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल अपने चैनल के माध्यम से ये खबरें दिखाते रहते हैं हम आपको, देश से जुड़ी, क्षेत्र से जुड़ी। और देखिए, हमारा यही प्रयास है कि हम समाज के स्तर की न्यूज़, दबे कुचले वर्ग की न्यूज़ दिखाएं और समाज में जो हो रहा है उसको दर्शाया जाए। और देखिए, कैमरामैन शहीद कुरैशी जी हैं और हमारे ये अनेकों बैनरों में काम कर चुके हैं। देखिए, शाह टाइम्स के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारी खबरें देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब पर चैनल सर्च करें, द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल। और आपको अगर खबरें लगती हों, सही लगता हो, तो आप उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना अगर आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आप तक सच पहुंचाते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे। और देखिए, हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। मैं एक समाज से जुड़ा हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी होने का हमें नाज है और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हर कोई यही कहता है कि हमारा मुल्क है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ और हिंदुस्तान का मैं रखवाला, हिंदुस्तान का मैं रखवाला, और हिंदुस्तान के ही लिए मेरी अंतरात्मा जीवित है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के ही लिए जीऊँगा और हिंदुस्तान के लिए ही मरूँगा। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को सैल्यूट है हमारा, सुखराज, अवतार सिंह सराभा और अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, जो वीर ये इस देश में, समाज में नी रख कर गए हैं, उस पर रद्द रखने वाले आते रहेंगे। द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल आपको दिखाता रहेगा देश में जुड़ी, क्षेत्र में जुड़ी, जिले से जुड़ी खबरें। और देखिए, अगर आज हम ना सचेत हुए, हम अगर आज ना सचेत हुए तो कल भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले इंसानियत और मानवता को जिंदा रखना है, इंसानियत और मानवता को शर्मसार नहीं होने देना है, क्योंकि देश में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि गलत, सिर्फ गलत, सही का साथ दोगे, सच की हमेशा जीत है। और सच, सच ही एक सत्य है और सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत है। और सबसे बड़ा तप सच है। अगर आप तप सच का कर रहे हैं तो तपस्या आपकी सफल होगी, वरना आप कुछ नहीं बन सकते। हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते हम भाई हैं। और देखिए, हम हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में ये विश्वास ही नहीं रखते हैं, हम सिर्फ विश्वास रखते हैं तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा में, क्योंकि जो ये हमें योनि मिली है, मानव शरीर, हम प्राणी हैं, प्राणी को प्राणी से प्रेम करना चाहिए, और आज प्राणी ही प्राणी का दुश्मन है। अगर देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा, अगर कहीं कोई कौवा घटनाग्रस्त हो जाए या कौवा कोई मृत घोषित हो जाए, और देखिए वो कौवा अगर कहीं गिर जाए तो खेत में, खलिहान में अनेकों कौवे, चीले वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, और ऐसा लगता है, लोग ये कहते हैं समाज के अंदर, मनुष्य में ये चर्चा हो जाती है कि आज कौवे बढ़े जा रहे हैं, और इस तरह से क्या है। तो हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, क्योंकि हम पंछियों से भी, जानवरों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। और देखिए, जो इस बात का प्रयोग करते हैं, जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरे भाई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ, जो कहते हैं कि इसने अपनी जात दिखा दी, डॉग, इस कुत्ता, कुत्ते को बदनाम मत कीजिएगा, कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता अगर पागल भी हो जाए तो अपने मालिक को नहीं काटता, नहीं भौंकता। और हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं और हम अपने ही भाई का कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं। चलिए, कल ना बदला तो आज बदलेगा, शर्त यह ये समाज बदलेगा, और यूं ही फूलमाला बने रहे अगर हम, कैसे ये कांटों का ताज बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।